तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अगला अपडेट जल्दी मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, आरएसडी फ्यूल में आपका स्वागत है। मैं किशोर डोलेशा एक नई प्रोडक्ट के साथ, नया इंस्टॉलेशन के साथ। एक प्रोडक्ट का हम अनबॉक्सिंग करते हैं, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, मतलब आपको ये प्रोडक्ट मिलती है तो कैसे यूज़ करना है, कैसे अटैचमेंट करना है, इस पर हम बात करेंगे और कटिंग भी करके इसको बताएंगे। ये हमारा नया मॉडल है DTC N+, ये ऑयल वाला है और इसमें कई सारी अपडेट की गई है। तो इसके लिए हमने एक नया वीडियो आज बनाने की कोशिश की है। तो आज देखते हैं, यहाँ पर हम ब्राउज़र में आपको दिखाएंगे कि ये हमारा DTC वाला मॉडल है, जो टाइल्स को विट्रीफाइड बॉडी हो या टाइल्स बॉडी हो उसको कटिंग करने में ये आसानी से, छोटा सा ही डिवाइस, ये 5 से 6 इसका डिवाइस है और कटिंग करता है 6 फीट तक। 10 mm की थिकनेस पर ये वर्कआउट करेगा, 12 mm में ये वर्किंग नहीं करेगा, इसका ख्याल रखें। ज़्यादातर फ्लोर टाइल्स में, जैसे कि पार्किंग की टाइल्स होती है, इसमें इस मॉडल का यूज़ ना करें, इसका हेड ख़राब हो जाएगा। ग्लोसी एंड मीडियम मेट में इसको यूज़ करना है। तो अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आगे की प्रोसेस जानते हैं। इस टाइप का आपको बॉक्स आता है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जहाँ पर ये आपको स्टिकर लगाया गया है बॉक्स के ऊपर, वहीं से आपको इस बॉक्स को ओपन करना है ताकि ये उल्टा ना निकले। देखिए यहाँ पर ये लगा है, पीछे भी वैसा ही है, लेकिन आपको यहाँ से इसको खोलना है इस तरीके से, ओपन एंड देन ओपन। इनसाइड में आपको ऊपर की ओर एक ब्रोशर मिलेगा जिसमें हमारी RSD की पूरी डिटेल, हमारा यहाँ का कॉन्टेक्ट डिटेल एंड अदर प्रोडक्ट्स, पीछे की साइड पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी प्रोडक्ट है और किस तरीके से कौन सी प्रोडक्ट वर्क कर रही है। इसका अदर भी वीडियो है जो YouTube चैनल पे RSD फ्यूल टेक्नोलॉजी के नाम पर हमारी चैनल है, उसको आप ओपन करके अदर वीडियो देख सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, इस टाइप का कुछ बॉक्स के अंदर मैकेनिज्म होगा। फर्स्ट आप खोलेंगे तो साइड में एक ऑयल का बोतल आएगा, हम इसको बाहर निकालते हैं। एंड नेक्स्ट ये हमारा DTC मॉडल कुछ इस तरीके का है, जो पहले था इससे कुछ अलग भी है एंड चेंजेस किया है। आगे इसके साथ एक एलेंकी जाएगा और 2 हेड आएगी। पहले वाले मॉडल में 1 हेड था, इसमें 2 हेड हमने कर दिया है, जो और 4 कैप। तो ये ब्रेकर का एरिया है, वहाँ पर 4 कैप आते हैं। 4 इसलिए कि 2 इसमें बड़ी वाली है। देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर एक छोटा सा ग्रिप दिया गया है, ये थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा है, इसका जो थिकनेस है ज़्यादा है। एंड 2 जो यहाँ पर स्टेप नहीं आएगा, जो ग्रिप आती है वो नहीं आएगी। जो विदाउट ग्रिप वाला है वो दोनों अंदर की ओर से, देखिए मैं यहाँ पर टूल्स रख के बताता हूँ, ये वाला एंड ये वाला। एंड जो ग्रिप वाला है ये बाहर की तरफ है, ये वाला एंड ये वाला। तो ये हमारे हो गए 4 कैप जो ब्रेकर में लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस हेड की, तो 2 हेड आते हैं, एक आपको यूज़ करना है और एक एक्स्ट्रा रहेगा। उसके साथ एक हुड का हैंडल आता है। तो फर्स्ट हम अभी इसके रिगार्डिंग पॉइंट, पहला ये है कि इस ब्रेकर को जब आप खोलते हो, सेफ्टी वाला पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इसको जब आप खोलते हो तो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ ये टच हो जाए, बस ये टच हो चुका है, तो इसके बाद इसको खोलना नहीं, वरना ये जो यहाँ का लॉक है वो निकल जाएगा, कहीं गिर जाएगा, खो जाएगा और आप फिर बोलेंगे कि ये तो निकल जा रहा है, लेकिन इसका ये जो डिस्टेंस है ख़त्म हो चुका है, उसके बाद इसको आपको खोलना नहीं, इस बात का आपको ख्याल रखना है पूरा। हर कस्टमर यही गलती करते आ रहे हैं और करते हैं, तो यहाँ से इतना ही आपको डिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद आपको नहीं खोलना, इस बात का आप ख्याल रखें। नेक्स्ट बात करते हैं हेड कैसे आपको लगाना है। तो इस हेड में फर्स्ट हम इसको खोलते हैं थोड़ा सा, 1 से 2 थ्रेड खोलने के बाद इस मशीन को ऐसे उल्टा रखिए, ऊपर से हेड को अटैच कर दीजिए,
देखिए मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए उल्टा इसलिए कि हेड गिर ना जाए, और इसका जो ये व्हील है डायमंड का, ये कार्बाइड टूल्स है, ये टूट ना जाए गिरने से, इसलिए मैं उल्टा रखने की बात कर रहा हूँ। अभी इसको हम टाइट करते हैं, और इस बात में भी ध्यान रखना है कि इसको नॉमिनली टाइट करना है। कोई कोई क्या करते हैं, दबा के टाइट कर देते, इसके थ्रेड ख़राब हो जाते, तो हम इसको नॉमिनली टाइट करेंगे, इस बात का आपको भी ख्याल रखना है। इसको मैंने टाइट कर दिया, अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑयल फिलअप करना, क्योंकि ये ऑयल वाला मॉडल है। ऑयल इसलिए है कि आपकी टाइल्स पे कोई भी डस्ट हो या कचरा हो तो कहीं कहीं मार्क नहीं हो रहा था, और मटेरियल में भी, टाइल्स में भी मटेरियल चेंजेस होते तो उसमें भी एक प्रॉब्लम आती थी कि डस्ट के हिसाब से मार्क प्रॉपर नहीं होता, हार्डनिंग प्लस माइनस होता है, उसका टेम्परेचर टाइल्स का प्लस माइनस होता है। इस रिगार्डिंग हमने DTC N+ मॉडल लॉन्च किया है, तो अभी हम इसके अंदर ऑयल फिलअप करना है। ऑयल का क्या सिस्टम है वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा नज़दीक से हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ से ये जो है यहाँ पर हमको हैंडल भी लगाना है। देखो ये हुड है, ये जो हैंडल है इसको यहाँ पर ही लगाना है, एक पॉइंट के लिए हम दिखा दें, चलो ये लग गया है। अभी ऑयल फिलअप करना है तो हैंडल को ही आपको खोलना है, और हमारा जो बॉटल है, बॉटल में भी एक तरीका दिया है कि इसको हम टाइट करेंगे, ऐसे ही टाइट करेंगे तो ऑटोमेटिक अंदर एक पॉइंट दिया गया, होल कर देगा वो। लेकिन फर्स्ट हम इसको खोल डालेंगे, क्योंकि इसमें लॉक होता है, इसको हटा देंगे लॉक को, फिर इसको लगाएंगे एंड फुल टाइट करेंगे। तो ये क्या है, इसके अंदर पॉइंट लग गया और होल बन चुका है। कभी भी ऐसा हो सकता है होल ना बना सके, तो या सुई से अदर से आप कर सकते हैं, ऑलरेडी इसमें होल हो चुका है। अभी इस मशीन को ऑयल कैसे फिलअप करना है इस तरीके का हम दिखाते हैं। इसको हम थोड़ा सा क्रॉस एंगल में रखेंगे, इस टाइप, ठीक है, इस टाइप रखना है, एंड वन बाई वन बूंद, एक एक बूंद इसमें आपको लगाना है। ऐसे क्रॉस इसलिए रखा है कि बूंद अंदर जाती है तो अंदर की तरफ जो एयर होता है वो बार बार बाहर निकल जाए, इसलिए क्रॉस न करना पड़ता है। तो हम नेक्स्ट बूंद बूंद लगाते हैं इसमें, जितना ऑयल अंदर जाता है उतना फिलअप कर दो एंड टू एंड। चलो ये फिलअप हो चुका है, आपको भी दिखाई देगा यहाँ पर। अभी ऐसे इसको रख के इस हैंडल को हम ऊपर से लगा देंगे, अलग से कोई पॉइंट नहीं है, अलग से कोई काम नहीं करना है, हैंडल भी वहीं लगेगा, ऑयल भी वहीं से फिलअप होगा, और पूरा मैकेनिज्म के साथ काम किया है, इसमें मैन्युफैक्चर किया है, डिवाइस तैयार किया है। अभी इसमें ऑयल के साथ ये प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। अभी हमने फर्स्ट टाइम ऑयल डाला है तो हेड का जो लास्ट एरिया है वहाँ तक ऑयल को पहुँचाने के लिए हम इसको एक से दो बार झटका लगाएंगे। कैसे, ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑयल जो होता है इसके अंदर वो आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, आप एक बार दो बार तीन बार टाइल्स को काटते हो तो एक बार हैंडल को यहाँ से लूज करो। इसका तरीका ये है कि जो एयर मिलना चाहिए इसको अंदर ऑयल को, वो एक बार ऐसे आप खोल के फिर टाइट कर दोगे तो उसको एयर एंटर हो जाएगा, फिर से ऑयल मिलने लगेगा। तो ये मैंने दूसरी बार ऐसे आपको बता दिया। अभी इसको झटका आप लगाओ, यहाँ ऑयल आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको ऐसी जगह पर बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ऑयल दिखाई दे। यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा नज़दीक हम दिखाएंगे कि यहाँ पर अब हम मार्क करते हैं तो ऑयल के साथ मार्क होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको मार्क साफ साफ दिख रहा है कि ऑयल के साथ ये मार्क हुआ, तो ऑयल यहाँ पर भी मेरे हाथों में भी दिखाई देगा आपको, यहाँ पर ऑयल आ चुका है। तो ऐसे आप करोगे, ऐसे इसको झटका लगाओगे तो ऑयल एक बार आ जाए, उसके बाद इसको कटिंग कर सकते। अभी इसका सेफ्टी कौन कौन सा रखना है, किस किस बात का ध्यान रखना है, इस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा। सेफ्टी में फर्स्ट ये है कि इसका जो व्हील होता है उसका डायमीटर 6 mm, यानी कि 6 mm का राउंड है, 1 mm की उसका थिकनेस है। जो उसका व्हील है उसका हार्डनिंग इतना ज़्यादा है कि कहीं भी हार्डनिंग, यानी कि टाइल्स हो या स्टोन हो या कोई पत्थर हो या कोई लोहा हो, उसके साथ ये टकराएगा, मतलब एक्सीडेंट होगा। आप काम कर रहे हो, इसे कटिंग कर रहे हो,
समझो कि यहाँ से टाइल्स आपने काटा और यहाँ से सलो के लाट एरिया पर ये निकल गया बाहर और किसी के साथ ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तो ये फट जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात का आपको ख्याल रखना। हेड जो है वो 2 से 3 हज़ार रनिंग फुट कटिंग करता है, और उसके साथ दूसरा भी हेड है जो आपको कम से कम 5 हज़ार रनिंग फुट कटिंग कर देगा, और ये हेड अदरवाइज मार्केट में नहीं मिलेगा। ये हमारा पेटेंटेड डिज़ाइन है, ये हमारे से अलावा ये आपको कहीं मिलता है तो ये डुप्लीकेट माल है, इसका आप ख्याल रखें। कॉपीराइट किया गया है, इस लोगों को भी ध्यान में रखिए कि इसमें जो लोगो दिखाया गया है यही लोगों का आप हेड खरीदें, और जो यहाँ पर लोगो बनाया गया है RSD का यही लोगों पर आप मशीन खरीदें, तो ये RSD का ही ओरिजिनल डिज़ाइन मशीन मिलेगा आपको, इस बात का आप ख्याल रखें। तो अभी हम इस बात में हर जगह पर हर एंगल में आपको पता चल गया है कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है, जब बॉक्स मिलता है कैसे अनबॉक्सिंग करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है। हर बात में एक आपको ख्याल रखना है कि इसको आप कहीं एक्सीडेंट ना होने दे, अच्छे से वर्क करता है। अभी हम एक साइड पे जाते हैं और इसको कटिंग करके दिखाते हैं। 32x64 का टाइल्स काटेंगे इस DTC मशीन से, तो आगे आप देखिए कैसे कटिंग होता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पट्टी आसानी से ये कारीगर के हाथ में है, और 32x64, लेकिन जो ब्रेकर मारने का तरीका है वो आराम से आपने देखा वीडियो में, एकदम आराम से उसने लगाया था स्लो मोशन में। इसमें कोई किसी भी बात की आप जल्दबाजी करते हो तो ये लेंथ ही इतनी ज़्यादा है तो टाइल्स कहीं भी टूट सकती है, इस बात का आप ख्याल रखें। ये 32x64 का टाइल्स है एंड 3 इंच का समथिंग हमने पट्टी निकाला है सीट में से, तो ये ऑयल वाला मशीन है DTC में जो आप देख रहे हो, ये वाला अच्छा वर्किंग मिल रहा है इसका, और अपडेट किया है हमने। आपने आगे देखा 32x64 की टाइल्स हमने काटी, अच्छे से वर्क कर रही है DTC मशीन। एंड आज के लिए बस इतना ही, पूरा आपको वीडियो दिखाया कटिंग करके इंस्टॉल करके। तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड घंटी बजाना ना भूले, और आप फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। एंड इस मशीन को ख़रीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, अमेजोन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अदर जगह पर इस ऑनलाइन इस मशीन को आप खरीद सकते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।